आपके वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है तो दोस्तों घबराया नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उत्पल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक हल्दार ईशान नॉलेज में। दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, अगर आप इस चैनल में नया है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। एक्चुअली जो कॉपीराइट क्लेम लगाया, म्यूजिक जो होता है ना, म्यूजिक के ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाया। ध्यान से देखिए, ये इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है। चलिए इसको क्लोज करते हैं। क्रोम को ओपन करना है तो दोस्तों क्रोम ओपन करने से पहले ईमेल आईडी लॉगिन करना है पहले, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करना है। देखिए ये मेरा ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है जिस चैनल में है, यहाँ से यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब यूट्यूब ओपन कीजिए। देखिए मेरा जो चैनल है, राइट साइड कॉर्नर में चैनल का लोगो है, लोगो में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट योर चैनल में क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जाना है कस्टमाइज चैनल का ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा लेट हो रहा है। बायां साइड में देखिए कंटेंट बोल के एक ऑप्शन है, कंटेंट में क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर बोल के एक ऑप्शन है, उसका ऊपर क्लिक करना और नेक्स्ट कॉपीराइट वीडियो में क्लिक करना है। देखिए जो मेरा कॉपीराइट वीडियो है, एक वीडियो है उसका पूरा डिटेल्स दे दिया है। देखिए यहाँ पे सी डिटेल्स में जाना है, सी डिटेल्स क्लिक करना है। अब पूरा डिटेल्स है कहाँ कहाँ से कहाँ तक सॉन्ग का ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगाया है, नीचे में देखिए पूरा डिटेल्स है, कौन सा म्यूजिक कंपनी ये क्लेम लगाया है, बायां साइड में डिटेल्स है। अब जाना है सिलेक्ट एक्शन में जाना है। देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट जाना है सिलेक्ट एक्शन में, इसको क्लिक करना है। देखिए यहाँ तीनों ऑप्शन है, टर्न आउट सिगमेंट, रिप्लेस सॉन्ग्स, म्यूट सॉन्ग्स। तो जिस लोगों को रिप्लेस सॉन्ग्स करना है वो सेकंड वाला ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। मेरा ये सॉन्ग नहीं चाहिए, म्यूट करना है, तो हम नीचे वाला लास्ट जो ऑप्शन है म्यूट सॉन्ग को क्लिक कर देंगे। अगर फिर अगर कॉपीराइट क्लेम आएगा तो इसलिए हम सॉन्ग को म्यूट कर देंगे। अब उसको नेक्स्ट क्या करना है, कंटिन्यू में क्लिक करना है। एज इट इज़ रहने दीजिए, कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए, पूरा जो सॉन्ग है वो म्यूट हो जाएगा। अब म्यूट में क्लिक कर देना। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, अब हो जाएगा। सॉन्ग को रिप्लेस अगर करना है तो रिप्लेस कर सकते हैं आप लोग सेकंड वाला ऑप्शन चूज करके। मेरे को नहीं करना है एक्चुअली, क्या फिर प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर मेरे को ऐसा करना होगा, इसीलिए हम सॉन्ग को हमको डालना ही नहीं है, इसीलिए हम सॉन्ग को म्यूट कर दिया है। थोड़ा प्रोसेसिंग लगता है, टाइम लगता है, इसलिए प्रोसेसिंग हो रहा है। देखिए पूरा डिटेल्स है, कौन सा कंपनी सॉन्ग का ऊपर दिया है क्लेम, पूरा डिटेल्स कहाँ से कहाँ तक, पूरा वीडियो जो कॉपीराइट क्लेम लगाया है सॉन्ग का, पूरा डिटेल्स इसमें पूरा है। एक्चुअली क्या है, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, कॉपीराइट क्लेम होने से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, इसलिए कॉपीराइट क्लेम को हटाना ज़रूरी है। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, अब कंप्लीट हो गया है, तो इसको
बंद कर देता है, दोबारा क्रोम को ओपन कर लेता है, देखते हैं कॉपीराइट है कि नहीं, जो क्लेम लगाया था वो वीडियो अभी है कि नहीं। अब जाना है गूगल यूट्यूब ओपन करना है, राइट साइड कॉर्नर में मेरा जो यूट्यूब चैनल का लोगो है उसका ओपन कर क्लिक करना है और वहाँ से योर चैनल में जाना है, या नेक्स्ट कस्टमाइज चैनल, और बाएं साइड में सेम कंटेंट में जाना है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है कंटेंट उसको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे वीडियो का ऊपर देख फिल्टर बोल के ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और कॉपीराइट वीडियो में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ कोई कॉपीराइट वीडियो शो नहीं कर रहा है, कॉपीराइट जो क्लेम दिया था जो वीडियो का ऊपर वो और अब यहाँ नहीं है। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया, आप लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, अपने से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद।